Hello students, welcome to BBVN online class. Students, as the lesson 7 working for a living is completed और हमने इसकी 2 exercise भी कर ली है, but in today's video I am going to revise some important points related to the chapter. आज के वीडियो में हम कुछ जो important points से chapter से related वो हम discuss करेंगे, जिससे आपको जो पूरा चैप्टर है किससे रिलेटेड है वो सारा रिवाइज हो जाएगा. इस चैप्टर में हमने किन किन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो सब आपको रिवाइज हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स. हमारा फर्स्ट पॉइंट है द वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशन किसको बोलते हैं? वह काम जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं वो क्या है? हमारा ऑक्यूपेशन, वो हमारा व्यवसाय है. एक बार मैं पॉइंट फिर से रिवाइज कर रही हूँ. द वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं पीपल डू टू अर्न मनी, जिनको लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, इज कॉल्ड आवर ऑक्यूपेशन, वो हमारा व्यवसाय होता है. नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एज देयर ऑक्यूपेशन. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की जो लोग होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं, कोई भी सेम काम नहीं करता. मतलब जो आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली मेम्बर में भी जो अलग अलग मेम्बर्स हैं उनका सबका ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है. हो सकता है किसी का सेम हो, बट मोस्ट ऑफ केस हम देखते हैं कि आपकी फैमिली में से भी कुछ डॉक्टर है, तो कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है. उसी तरह आप अपने नेबरहुड में भी देखते हैं कि सबका मोस्ट ऑफ जो ऑक्यूपेशन होता है, सबका काम होता है अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है. एक बार फिर से पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ मैं. पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एज देयर ऑक्यूपेशन. लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं अपने व्यवसाय के रूप में. आपने देखा होगा दैट अ टीचर टीचेस इन द स्कूल, डॉक्टर एंड नर्सेस ट्रीट पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, ए प्लम्बर रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउसेज, एंड जो गार्डनर होता है ही लुक आफ्टर द गार्डन. इसी तरह स्टूडेंट्स सबका ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है. जरूरी नहीं कि सबका ऑक्यूपेशन, सबका व्यवसाय एक ही हो. नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, पीपल हु वर्क इन आवर होम टू हेल्प इन द हाउस वर्क आर कॉल्ड डोमेस्टिक वर्कर. वो लोग जो हमें घर के काम करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वर्कर. वो हमारे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो रिच फैमिलीज होते हैं वो अपने घर के काम करने के लिए भी वर्कर्स रखते हैं, और रिटर्न में उनको क्या मिलती है? सैलरी. जस्ट लाइक एक जो कुक होता है वो उन फैमिली के लिए खाना बनाता है, एक ड्राइवर होता है वो फैमिली की गाड़ी को ड्राइव करता है, एक गार्डनर होता है वो फैमिली का जो गार्डन होता है उसकी लुक आफ्टर करता है. सो स्टूडेंट्स, जो घर का काम होता है घर के काम के लिए वो वर्कर रखते हैं और बदले में उनको सैलरी देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वर्कर. वो होते हैं डोमेस्टिक वर्कर. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग यंग चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट वर्क इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो क्या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं उनके पास इवन खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वो अपने जो बचपन में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बचपन में ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, उनको बोलते हैं चाइल्ड लेबर. तो वो जो चाइल्ड लेबर होता है, अभी को फिर से रिपीट कर रही हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को ही काम करने की आदत डालना, उनको प्रैक्टिस कराना फॉर डिफरेंट वर्क, अलग अलग काम कराना, उनको बचपन से ही उनमें आदत डालना काम करने की, इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. उनको उसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर. द चाइल्ड लेबर्स आर ऑफन मैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट प्रॉपर फूड रेस्ट और मनी. जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं वो घंटों घंटों काम करते रहते हैं, बहुत बहुत देर तक काम करते हैं, विदाउट प्रॉपर फूड रेस्ट और मनी. बिना फूड के उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है उनको रिटर्न में पैसे भी नहीं मिलते हैं. उनके जो
काम के बदले में जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है, इवन देन उनको वर्क करना पड़ता है, तब भी उन बच्चों को वर्क करना पड़ता है बिकॉज दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको चाइल्डहुड में ही काम करना पड़ता है, अपने बचपन में ही काम करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, हम इंडिया में भी बहुत फैमिलीज ऐसी होती है जो अपने बच्चों को चाइल्डहुड से ही उनको काम करने की उनमें हैबिट डाल देते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स से चैप्टर 7 से रिलेटेड वर्किंग फॉर अ लिविंग, यू हैव टू रिवाइज दीज पॉइंट्स एट होम। थैंक यू।